Hello kids, how are you all? I hope you all are fine at home. As you know that our summer camp is going on in this month and we do many activities till now. अभी तक हमने बहुत सारी activities की है ना. So today I will tell you again one more activity with ice cream sticks. Okay? आपको आइसक्रीम स्टिक के साथ मैं एक और एक्टिविटी बताती हूँ, उससे आप क्या बना सकते हो. वैसे तो मैं बता देती हूँ आज हम क्या बनाएंगे. पिकॉक बनाएंगे. पिकॉक मतलब मोर. पिकॉक बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ आइसक्रीम स्टिक्स. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 10 आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए इस टाइप की. कलर चाहिए आपको ग्रीन, रेड, ब्लू एंड आप ऑरेंज भी ले सकते हो और डार्क येलो भी ले सकते हो और फेविकॉल एंड वन प्लेन शीट वाइट शीट एंड एक आपको बाउल में वाटर रखना है और एक ब्रश लेनी है क्योंकि आप इसकी हेल्प से कलर करेंगे. सो आपको क्या करना है पहले वो मैं बताती हूँ. आपको पहले तो एक ब्लू कलर लेना है और उससे आपको इस टाइप से कलर लेके इस ब्रश के ऊपर, इस टाइप से आपको पूरी ब्रश के ऊपर कलर कर देना है धीरे धीरे. मम्मा की हेल्प से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है आपको, ठीक है. धीरे धीरे करेंगे. तो मैंने ब्रश की और ये कुछ इस टाइप से हो गया, ठीक है. अब आपको एक और स्टिक लेनी है, प्लेन स्टिक लेंगे और उसके ऊपर आप सेम एज इट इज थोड़े से ब्लू कलर लगा के उसको पहले बीच में से हल्का से एक सर्कल करेंगे. मम्मा से हेल्प करवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा. ओके, सभी स्टिक्स पे आप पहले ऐसे ब्लू कलर से सर्कल कर लेंगे थोड़ा थोड़ा. उसको आपको क्या करना है, ब्लू कलर साइड में रखना है. उसके बाद आप रेड कलर लेंगे और रेड कलर थोड़ा सा लेना है आपको और इसके किनारे पे बिल्कुल साइड में थोड़ा थोड़ा इस टाइप से लगाएंगे, ठीक है. इस टाइप से सभी में आप रेड कलर लगा लेंगे. फिर उसके बाद आपको ग्रीन कलर यूज़ करना है. आप ग्रीन कलर लेंगे और इस टाइप से पूरे इस पे ग्रीन ग्रीन करेंगे, ठीक है. फिर आपको येलो कलर लेना है, ग्रीन कलर भी साइड में रखना है और येलो कलर लेके आप बिल्कुल ज़रा ज़रा से यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे लगा देंगे. रेड और ब्लू के ऊपर आपको नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ठीक है. तो इस टाइप से ये आपकी स्टिक्स बन जाएंगी कुछ इस टाइप से, ठीक है बेटा. फिर आपको क्या करना है, अब वाटर को आप साइड में रखेंगे. अब आपको वाइट शीट लेनी है. अब वाइट शीट के ऊपर आप पहले जो ये ब्लू कलर की है इसके ऊपर आप फेविकॉल लगाएंगे इस टाइप से. जिम गए तो आपको फेविकॉल लगा लेना है और फिर इस फेविकॉल को बिल्कुल आराम से आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे बिल्कुल धीरे से. फिर आपको जो मैंने कलरफुल स्टिक्स दिए हैं उनके ऊपर भी धीरे धीरे आपको कलर लगाना है और उनको भी आप यहाँ पेस्ट करेंगे. अब ये मैंने फेविकॉल की हेल्प से इस टाइप से चिपका लिया मैंने. अब आप क्या करेंगे, एक ब्रश लेना है और उसमें बिल्कुल येलो कलर भी ले सकते हैं, आप पेन का यूज़ कर सकते हैं और इसकी यहाँ पे एक आइज बनानी है. पिकॉक की आपको आइज बनानी है बिल्कुल छोटी सी,
आप पेन से भी बना सकते हैं और एक आपको इस टाइप से चोंच बना देंगे, बीक, चोंच बोलते ना बीक, उस टाइप से आप एक पिकॉक की बीक बनाएंगे, ठीक है। फिर आपको ग्रीन कलर लेना है और यहाँ पे ग्रास टाइप से इस टाइप से कुछ बना देंगे कि और थोड़ा सा ग्रीन कलर आप यहाँ भी कर देंगे। तो ये हमारा पिकॉक रेडी है बेटा, इस टाइप से देखिए आप, ठीक है। सेम आपको इस टाइप से पिकॉक बनाना है और मेरे पास फोटोज क्लिक करनी है, आप मम्मा की हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए हेल्प, क्योंकि आप अकेले नहीं कर पाएंगे। कलर बिल्कुल धीरे धीरे करना है, बाहर नहीं निकालना आपको। ओके, थैंक यू।